हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो रहेगी ऑन करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर बेंगले फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस बीए सेकंड ईयर सेम फोर स्टूडेंट्स। बेटा मेन पॉइंट्स है, देखो ये पूरा करेक्टर स्केच नहीं है, मेन पॉइंट्स है, पर ये मेन पॉइंट्स उसी अंडरलाइन करके आने हैं। तो इन्हों पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी एंड इंसीडेंट इन द नॉवल तुसी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, सब तो मेन पॉइंट इहदा है जो मिस्टर बिंगले का, मिस्टर बिंगले इज़ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर डार्सी, जो साडा प्रोटैगनिस्ट है, साडा हीरो है, जो साडा हीरो है उहदा ही दोस्त है, ठीक है जी। तो साडी जो नॉवल की ओपनिंग है, स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोड्यूस होंगे, बिकॉज ही हैज़ रेंटेड अ मैनर इन द नीदरफील्ड पार्क, फाइन। तो सैकेंड है, ही इज़ रियली, जे असी यदि करैक्टर बारे जानिए तो एक अट्रैक्टिव करैक्टर है, हैंडसम करैक्टर है, वेल्दी है, वेल मैनर्ड है, ठीक है जी। ह्यूमर ह्यूमर जो है अंदर बहुत अच्छा है, ह्यूमर मतलब किसी को हंसाना, ठीक है। गुड मैनर्स है, एक सोशल पर्सन है, डार्सी की तरह नहीं है कि जिस तरह डार्सी एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज़्यादा रिजिड है, पर ये एक किस तरह का पर्सन है, बहुत ज़्यादा एमाइबल, एमाइबल मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मिलवर्तन वाला पर्सन है। तो पॉइंट वाइज करते हैं, फ्रेंडली एंड पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिवें ही ये नैदरफील्ड पार्क आ जाता है तो सारे लोगों के विचारी मशहूरी हो जाती है कि एक बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट ते बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इतने आई है, एक वेल्दी जेंटलमैन है। तो गुड मैनर्स, चंगे ये अंदर मैनर्स है, गुड जो ये अंदर ह्यूमर है, तो हंसाना बहुत चंगा लगता है, तो लाइवली पर्सनैलिटी है, बड़ा खुश रहता है। हिज अपीयरेंस इज़ रियली वेरी प्लेजेंट, जी उसकी अपीयरेंस है बहुत प्लेजेंट, बहुत जिन्हों भी मिलता है तो सारे खुश होंगे उन्होंने मिलकर। ही इज़ रियली जेनरस, उदार है, तो अनसैल्फिश, मतलब वो अंदर सैल्फिश नाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब ही नहीं है वो बिल्कुल भी। उस तो बाद डिपेंड्स ऑन डार्सी, पर उसकी सब तो वड्डी नैगेटिव प्रॉब्लम यह है कि वह हमेशा डार्सी पर डिपेंड रहता है किसी भी काम के लिए। नैक्सट, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स जेन बैनेट, तो कि मेनली अट्रैक्टेड है जो मिसिज बैनेट दी पांच डॉटर्स में सब तो वड्डी बेटी है, जेन बैनेट वाला अट्रैक्टेड है। दैन ईजली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदरस, तो दूसरों के तो बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, अपना वह डिसीजन लैंदा कोई भी मेन जो है सॉलिड स्टैंड नहीं लै सकता। नैक्सट इंपॉर्टेंट पार्ट इधर रहेगा बेटा करैक्टर स्केच का, दैट इज़ ही हैज़ अ वेवरिंग माइंड, वेवरिंग माइंड मतलब बहुत ज़्यादा इहदा दिमाग कभी एक आस्पैक्ट वाल जाता है, कभी दूसरे, स्पेशली इन द केस ऑफ जेन्स रिलेशनशिप। बेटा असी स्टार्टिंग तो नॉवल से नोट किया कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वैन ही मैट जेन एट बॉल, उन्होंने मिलता है तो उसके साथ बहुत अच्छा इनवॉल्व होता है, बट जिवें ही डार्सी उन्होंने रियलाइज करवाता है कि मिसिज बैनेट इज़ रियली अ वल्गर लेडी, तो स्लोली एंड स्टडली वो अपना बार बार माइंड चेंज करता है टूवर्ड्स जेन। तो तुसी नॉवल दे विचों इंसीडेंट लैके ये चीज़ लिखनी है कि किस तरह डार्सी दे कहने वापस चला जाता है, किस तरह डार्सी दे कहने वापस आ जाता है, तो उन्हों जेन नू लैके अपने डिसीजन वो नॉवल दे विच बार बार चेंज करता है। वेवरिंग होंदा बेटा, वेव होंदा उहदा माइंड, कभी येस कभी नो, बट हिज लव टूवर्ड्स जेन इज सिंसीयर, है सिंसीयरली वो प्यार करता उन्हों, ही है सिंसीयर लव फॉर जेन बैनेट। मिसिज बैनेट व्यूज़ अबाउट हिम, तो उदी वर्डिंग लिखी हुई है बेटा बुक दे विच, ही इज़ सो ईजी गोइंग दैट हिज सर्वेंट्स कैन चीट हिम, वो इन्ना ईजी गोइंग है कि उन्हों के जो नौकर है वह भी चीट कर सकते हैं, क्लीयर। ही हैज़ टेकन अ मैनर ऑन रेंट एट नैदरफील्ड पार्क, तो स्टार्टिंग तो ही वेरी बिगनिंग ऑफ द नॉवल असी देखते हैं कि उन्हें एक मैनर रेंट पर लिया है नैदरफील्ड पार्क के, एक बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी बन चुकी है बिकॉज ऑफ दिस, स्पेशली अमंग द बेनेट फैमिली। ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, नैक्सट ही केम नैदरफील्ड विद हिज टू सिस्टर्स, एक हस्बैंड आया एक सिस्टर के नाल, ऑफ एल्डर सिस्टर के नाल हस्बैंड आया, दैट इज़ मिस्टर हर्स्ट। दैन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज़ एंगेज टू जेन। बेटा पहला भी ये चीज़ क्लीयर की सी, वैन एवर यू आर राइटिंग एनी करैक्टर, तो बेटा उस करैक्टर की इंट्रो, ठीक है, तो कंकलूजन दो तीन लाइनों के इंट्रो, दो तीन लाइनों के कंकलूजन। बेटा
कोई भी जो क्वेश्चन है वो तुसी हैडिंग्स नहीं बनाने, योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैडिंग्स नहीं बनाने, पैराग्राफ्स बनाओ मेन जिवें हुण वर्ड्स में लिखे मेन वर्ड्स नूं अंडरलाइन करना है, मेन वर्ड्स नूं तुसी अंडरलाइन करना है, पैराग्राफ्स बना देने हैं बट हैडिंग्स नहीं बनाने, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट विच दो तीन लाइना, दो चार लाइना लिखोगे हु इज़ मिस्टर बिंगले, कोई भी करैक्टर आंदा है तो कंक्लूडिंग लाइन दे विच दस वी कैन से, ठीक है, या इन कंक्लूजन वी कैन से, या इन सम अप वी कैन से दैट मिस्टर बिंगले इज एन अट्रैक्टिव जेनरस एंड अ लाइवली पर्सनैलिटी हु मैरिज टू जेन इन द नॉवल। क्लियर है बेटा, ऑल द बेस्ट। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि थोड़ी इस तरह समझ आ रही है। तो ये मेन पॉइंट्स है, पूरा क्वेश्चन नहीं है बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस मैं पूरा नहीं बना पाई। तो प्लीज़ ध्यान नाल मेन वर्ड्स अंडरलाइन करके आना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।